गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स इंटरनेशनल की हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा ही बहुत सुना होगा, लेकिन जो कतर कंट्री है, इसने हाल ही में विश्व इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। हालांकि ये भूमिका ये बहुत पहले से निभा रहा है, लगभग 2008 से, लेकिन जो इसने सबसे बड़ा समझौता कराया है वो कराया है अमेरिका और तालिबान के मध्य। तो कतर एक इस्लामिक देश होते हुए कैसे इसने अमेरिका और तालिबान दोनों का विश्वास जीता और कैसे अपनी यूरोपीय देशों में या पश्चिमी देशों में एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट की, जिससे पश्चिम के नेता भी कतर पर विश्वास करने लगे और अलकायदा, हमास, आईएसआई जैसे आतंकवादी समूह भी किसी भी तरह की बातचीत के लिए, समझौते के लिए कतर को ही क्यों चुनते हैं और कतर कैसे इन विद्रोही जो संगठन होते हैं, जो विद्रोही ग्रुप होते हैं, जो आतंकवादी संगठन होते हैं, इनके और सरकारों के मध्य समझौता कराने में कैसे सक्षम होता है। तो कतर की इस मजबूत होती स्थिति के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कतर की लोकेशन, कि कतर वर्ल्ड मैप पे कहाँ स्थित है। देखिए, पार्शियन गल्फ है, मध्य एशिया में, मध्य एशियाई कंट्रीज है कौन? कतर। ठीक है, कतर की कैपिटल क्या है? दोहा है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। पड़ोसी देश है इसका बहरीन, सऊदी अरब और यूएई, और यही है आपका ईरान, ईरान से थोड़े दूरी पर है आपका सीरिया। ठीक है, तो ये याद रखिए। क्यों? क्योंकि ये जो आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं, यहीं पर इन बड़े बड़े आतंकी समूहों का उद्भव हुआ है, जिससे कतर बात करने में सक्षम रहा है। कतर ने जो वर्ल्ड के बड़े लीडर हैं, बड़े तानाशाह हैं और बड़ी बड़ी जो सरकारें हैं, जो स्वयं को सभ्यतावादी बताती हैं, और दूसरी ओर उन आतंकवादी समूहों के मध्य वार्ता कराने के लिए अपनी जो इमेज प्रस्तुत की है, जिससे दोनों ही तरफ के समूह कतर पर विश्वास करते हैं, ये कतर के लिए विश्व स्तर पर एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो इस स्थिति में पहुँचने के लिए कतर ने क्या किया, ये हम देखते हैं 2008 से। वर्ष 2008 में यमन की सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच कतर के द्वारा मध्यस्थता कराई गई थी। ये यमन है यहाँ पर, ओके, ये क्या है? यमन है। और यहाँ पर मैंने अभी आपको मैप में बताया था कौन है ऊपर, कतर है। ठीक है, सऊदी अरेबिया, ये यमन का पड़ोसी, ओमान है। हमें एक एक देश के पड़ोसी देश पता होना चाहिए, कौन सा देश कहाँ अवस्थित है, उससे कौन सी गल्फ लगती है, कौन सा ओशियन उसे टच करता है। तो ये अरेबियन सी है, ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ अडेन है। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर यमन और हुती विद्रोही जो थे, इनके बीच में, यमन की कैपिटल सना है, याद रखिएगा, तो इन दोनों के बीच में 2008 में इसने क्या करवाया, समझौता करवाया। तब से कतर की स्थिति मजबूत होती गई। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, समझौता कराया, बातचीत कराई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी सरकारों और आतंकवादी समूहों के बीच में जो स्थिति है वो पूर्ववत हो गई हो। मतलब ऐसा नहीं है कि परिवर्तन हो गया हो। हाँ, ये है कि उनके द्वारा जो हिंसा फैलाई जा रही थी, उसमें कुछ कमी जरूर आई है। तो 2008 में यमन की सरकार और हुती विद्रोही को वीत करवाया गया। 2008 में ही लेबनान के युद्धग्रस्त विद्रोहियों के बीच वार्ता की मध्यस्थता कराई गई। कतर ने साल 2008 में यमन की सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच मध्यस्थता की। यह बात अलग है कि लड़ाई अभी चल रही है। ओके, 2008 में लेबनान के युद्धरत गुटों के बीच वार्ता की मध्यस्थता की, जिसके बाद साल 2009 में गठबंधन की सरकार बनी। कहाँ पर? लेबनान में। लेबनान और की जो सरकार थी और जो उसका कुछ युद्धग्रस्त क्षेत्र था, वहां के विद्रोहियों ने सरकार का गठन किया 2009 में। वर्ष 2009 में सूडान और चाड के बीच विद्रोहियों के मुद्दे पर बातचीत में कतर ने भाग लिया। साल 2009 में सूडान और चाड के बीच विद्रोहियों के मुद्दे पर बातचीत में भाग लिया। जिबूती और इरिट्रिया भी, हमने एक लोकेशन देखी यमन के ही पास में, जिबूती और इरिट्रिया के बीच भी सीमा पर सशस्त्र संघर्ष के बाद साल 2010 में कतर ने उनके बीच की मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए सहमत हो गया, जिसे अफ्रीकी गठबंधन ने भी काफी सराहा था। क्यों? क्योंकि जब ये दो देशों के बीच में, दो, एक आतंकवादी समूह और एक सरकार के बीच में मध्यस्थता कराता है, तो इससे हिंसा, अस्थिरता, राजनीतिक उथल पुथल जो होती है, उस पर क्या हो जाता है, विराम लग जाता है। तो इसे अफ्रीकी संगठन ने भी सराहा था। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा
कतर के द्वारा तालिबान और अमेरिका के मध्य समझौते को लेकर हो रही है, जो पूरे विश्व इतिहास को बदलकर रख दिया है। ये समझौता तालिबान और अमेरिका के बीच में हुआ था। तालिबान और अमेरिका के बीच में इस समझौते के तहत अमेरिका 31 अगस्त 2021 को तैयार था क्या छोड़ने के लिए, अफगानिस्तान छोड़ने के लिए। तो इस समझौते के तहत ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा है। समझौते की शर्तें क्या थी? अमेरिका तालिबान के मध्य हुए समझौते के अनुसार अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 13,000 से घटाकर 8,600 हो जाएगी। ये सभी समझौते की शर्तें थी। वहीं अन्य नाटो देशों की सीमाएं भी घटे, सेनाएं भी घटेंगी, लेकिन सैनिकों की संख्या के नाम पर नाम मात्र की कटौती होगी। यह कटौती तालिबान के लिए लॉलीपॉप की तरह है, क्योंकि अमेरिका की इस चाल को तालिबान नेता भी अच्छी तरह समझ रहे थे। ठीक है, तालिबान चाहता था कि अमेरिका की इस चाल को, कि भाई अगर अमेरिका ने सैनिक कम कर दिए तो अचानक तालिबान क्या कर लेगा, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। हालांकि अमेरिका ने जो उम्मीद लगाई थी, अमेरिका ने सोचा था कि 1 से 1.5 वर्ष लगेगा तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए, लेकिन अमेरिका की यह सोच बिल्कुल गलत साबित हुई। और अमेरिका के तालिबान छोड़ते छोड़ते ही 15 अगस्त 2021 को ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो खुद ही देश छोड़कर भाग गए थे। अफगानिस्तान से पूरी तरह अपनी सेना को ना हटाने के सवाल पर अमेरिका का कहना यह भी है कि अलकायदा और ISI के खतरे को टाला नहीं है अभी, और वहाँ पर कुछ दांव पर लगा है। देखो, अमेरिका यहाँ पर आपको ये लाइन ऐसे समझाती हूँ कि अमेरिका चाहता था इस समझौते के तहत कि वो अभी रुका रहे, किसके नाम पर, अलकायदा और ISIS के नाम पर, लेकिन फिर भी उसने बाद में क्या करा, 31 अगस्त को ये छोड़ दिया। लेकिन अभी भी ये स्थिति है कि अमेरिका अलकायदा और ISIS पर हमले करता रहेगा। ओके, सैनिकों की वापसी अफगानिस्तान से हुई है, इसलिए अमेरिका और नाटो काबुल को समर्थन देते रहेंगे और इसी के साथ उनकी सेना अफगानिस्तान में डेरा डाले रहेगी। इसके माध्यम से अफगानिस्तान में अमेरिका का दबदबा बना रहेगा। अमेरिकी सैनिक तो वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ संख्या में अमेरिका और नाटो के सैनिक अभी भी हैं। ठीक है, किसके लिए, अलकायदा और ISIS आतंकवादी समूह के लिए। समझौते के अनुसार तालिबान अपने कब्जे के 1,000 अफगानी सैनिकों को रिहा करेगा, जिसके बदले में अफगानिस्तान सरकार भी 5,000 तालिबानी लड़ाकों को रिहा करेगी। अमेरिका अफगानिस्तान की जमीन को नहीं छोड़ेगा, इसलिए तालिबान का भी अमेरिका पर विश्वास करना मुश्किल है। ऐसे में तालिबान द्वारा समझौतों की शर्तों को मानने की संभावनाएं कम है। अब देखना है समय के साथ तालिबान और अमेरिका दोनों अपने अपने जुबान और काबुल की सरकार के साथ कितना वफादार रहते हैं। तो ये स्थिति कब की थी हमारी, ये स्थिति थी 15 अगस्त 2021 के पहले की। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर क्लियर कुछ भी इसलिए नहीं करा था इस समझौते में, उसे उम्मीद थी कि अफगानिस्तान के जो सैनिक हैं, जिसे अमेरिका ने इतने वर्षों में तैयार किया था, वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ना वो सैनिक लड़ पाए और ना ही अशरफ गनी की सरकार तालिबान का पुरजोर तरीके से विरोध कर पाई, और अमेरिका की उम्मीदों के पहले ही क्या हो गया, यहाँ परिवर्तन हो गया, ऐसा अमेरिका के द्वारा कहा जाता है। कतर की राजधानी दोहा में हुए समझौते के अनुसार अमेरिका को एक निर्धारित तारीख तक अफगानिस्तान को छोड़ना था, लेकिन इस समझौते में इस बात का जिक्र नहीं था कि अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अफगानिस्तान की सत्ता पर किसका अधिकार होगा। सर्वविदित था कि तालिबान की ही सत्ता पर हकदार बनेगा, कौन करेगा, तालिबान जो था अफगानिस्तान, उसकी सत्ता पर सबको पता था, पूरा विश्व जानता था कि अगर अफगानिस्तान की जो अशरफ गनी सरकार है, अगर वो तालिबान अफगानिस्तान को छोड़ती है, तो तालिबान ही क्या बनेगा, इसका हकदार बनेगा, तालिबान ही यहाँ पर हुकूमत करेगा। यह बात अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी और तालिबान के नेता हबीबुल्ला अखुंदजादा को पहले से जानते थे कि भाई तालिबान ही अफगानिस्तान पर अधिकार करेगा। कतर इन बड़े बड़े मुद्दों के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका कैसे निभा पाया है, तो कतर ने अपनी जो इमेज है उसको कैसे सुधारा और उसने क्या काम किया। कतर को बड़े देशों के तानाशाह राजनेताओं और खुद को महाशक्ति समझने वाले देशों के प्रमुखों से बात करने से ज़्यादा आसान इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से वार्ता करना आसान लगा कि भाई देखो, आतंकवादी समूहों को तो एक मंच चाहिए होता है, और वो मंच किसने दिया, उन्हें कतर देश ने दिया। जब वो सभी आतंकवादी समूहों से बात करने में सक्षम हुआ
तो उसने ये जो बड़े नेता हैं, बड़े देश हैं, जो खुद को पावरफुल समझते हैं, आप समझ रहे होंगे किसकी तरफ इशारा है, उनके नेताओं को एक संचार का माध्यम चाहिए था, क्योंकि जब नेताओं और आतंकवादी समूह के बीच में वार्ता नहीं होगी, हिंसा जारी रहेगी। तो इस चीज को, इस कमजोरी को कौन समझ सका? कतर समझ चुका था और उसने इसका फायदा उठाया, जिससे वह इतने बड़े बड़े मध्यस्थ समझौते करवाने में सफल रहा है। कतर ने यूरोप में भारी निवेश किया, इससे यूरोपीय देशों का विश्वास किस पे बढ़ा? कतर पे बढ़ा। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ इसने अच्छे संबंध बनाए, क्योंकि अमेरिका हर देश में अपनी सेना लेके खड़ा हो जाता है, ओके, ये सभी जानते हैं। और यूनाइटेड किंगडम के साथ इसने अच्छे संबंधों का निर्माण किया। कतर के द्वारा कई प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब और कई होटलों में बड़ा निवेश किया गया। इस निवेश के आधार पर कतर द्वारा अपनी एक सॉफ्ट इमेज विश्व स्तर पर बनाई गई, जिसे सभी देशों से एक अच्छा देश समझने लगे, ओके। कतर ने विश्व स्तर पर अपनी एक अंतरराष्ट्रीय छवि प्रस्तुत करने के लिए अल जजीरा, ये न्यूज नेटवर्क है और बहुत बड़ा न्यूज नेटवर्क है, जो इस्लामिक देशों के लिए मतलब एक आवाज का काम करता है, एक मंच का काम करता है। और ये किसने खड़ा किया? कतर ने खड़ा किया है। अल जजीरा ने पत्रकारिता की संस्कृति को बदल कर रख दिया और साथ ही नॉन स्टेट एक्टर्स को सामने लेकर आया। इस तरह कतर क्षेत्रीय के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अच्छी छवि बनाने में कामयाब रहा, ठीक है। अरब स्प्रिंग, ये 2011 में आई थी अरब स्प्रिंग, ओके। कतर ने उन समूहों का समर्थन करना प्रारंभ किया जो अलग अलग देशों में लोकतंत्र के नाम पर संघर्ष कर रहे थे। कतर ने खुद स्वयं को एक स्मार्ट पावर के रूप में प्रस्तुत किया, अर्थात एक तरफ कतर अपनी स्वतंत्रता को व्यक्त करे और दूसरी ही और अपनी तटस्थता की नीति को भी अपनाए। मतलब इसने स्वतंत्रता के जो पैरोकार थे, जो लोकतंत्र को पसंद करते थे, उनकी ओर भी कतर ने अपना झुकाव रखा। दूसरी ओर इसने कई देशों में अपने तटस्थता की नीति अपनाई। ये किसी भी देश की तरफ, किसी भी समूह की तरफ झुका नहीं, ओके, ये बीच में ही खड़ा रहा उनके बीच में मध्यस्थता कराने के लिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्या? अफगानिस्तान। कतर ने अलकायदा, आईएसआईएस, हमास, हिजबुल्ला और तालिबान के साथ अच्छे संबंध बनाए, ओके? तो इन जब आतंकवादी समूह के साथ अच्छे संबंध होंगे तो ऑब्वियसली ये जो आतंकवादी समूह है किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे? कतर पर करेंगे। और सॉफ्ट इमेज की वजह से यूरोपीय देश, पश्चिमी देश भी कतर पर विश्वास करते थे। साथ ही कतर अमेरिका और यूरोपीय महाशक्तियों के साथ अच्छे संबंधों का निर्माण करता रहा और यूरोपीय शक्तियों के निकट बना रहा। कतर ने एक पुल के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 अगस्त 2021 को तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद संचार का मुख्य रास्ता कतर ही बना रहा। यह एक त्रिकोणीय फायदा समूह है, जिसमें अमेरिका को भी फायदा हुआ, कतर को भी और तालिबान को भी। एक दूसरे को अपने अपने फायदे के लिए इन तीनों ने इस्तेमाल किया है, ओके? 15 अगस्त 2021 के बाद कतर की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। काबुल से शरणार्थियों को निकालने में कतर की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि जितने भी जो आपका हवाई से सफ़र किया गया, क्योंकि एकमात्र माध्यम काबुल से ही था लोगों का बाहर निकलने का, तो वो कतर होते हुए ही अपने अपने देशों में पहुंचे। काबुल से निकलने वाले लगभग 40% लोग कतर होते हुए ही अपने अपने देशों में पहुंचे। क्या तालिबान और अमेरिका ने कतर का इस्तेमाल किया है? क्षेत्रीय मुद्दों पर विशेषज्ञता रखने वाले कई विशेषज्ञों का यह कहना है कि कतर खुद को वैश्विक स्तर पर एक अच्छे मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, और कतर इस प्रयास में बहुत हद तक सफल भी रहा है, क्योंकि उसने इतने बड़े बड़े समझौते करवाए हैं, तो ये उसकी सफलता का खुद उदाहरण देते हैं। परंतु तालिबान को अफगानिस्तान में जो बिना किसी प्रतिरोध के सत्ता मिली, उसमें ईरान और पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये दोनों कंट्री हैं जिसकी वजह से तालिबान बिना किसी लड़ाई के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया है। अशरफ गनी सरकार 19 से भी ज़्यादा कमजोर निकली, और इसका फायदा किसे हुआ? पाकिस्तान और ईरान को हुआ, जो डायरेक्ट यहाँ पर दखल देने में सक्षम है। जहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान तो पूरा का पूरा ही अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है। भविष्य में भी अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर जो भी खेल खेला जाएगा, वह इस्लामाबाद और तेहरान के द्वारा ही खेला जाएगा, जो अपने निजी स्वार्थों के लिए अफगानिस्तान का उपयोग करेंगे, क्योंकि अफगान समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समूह दो भागों में बटे हैं। ये आपको समझना होगा, ये जो अफगान समाज है जो विभिन्न समूहों में बटा है, इसमें दो मुख्य जो समूह हैं उन्हें हम देख सकते हैं इस्लामाबाद और तेहरान की दृष्टि से, जिसमें पश्तून और गैर पश्तून दो महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। जहाँ पश्तूनों की अधिकांश आबादी पाकिस्तान
पाकिस्तान के प्रभाव में रहती है। गैर पश्तूनों में उज्बेक, ताजिक, हजारा अन्य समूह आते हैं, ये ईरान के प्रभाव में रहते हैं। अब अफगानिस्तान तो खुद दो भागों में बंटकर यहाँ के जो विभिन्न वर्ग हैं, समूह हैं, वो दो देशों में बटे हुए हैं, पाकिस्तान और ईरान के बीच में। तो वो देश कैसे संगठित रह पाएगा? भले चाहे तालिबान और अमेरिका ने कतर का अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया हो, लेकिन इस छोटे से देश ने दुनिया के बड़े देशों के सामने एक अपनी अच्छी छाप प्रस्तुत की है। मौजूदा स्थिति में अगर कोई भी देश तालिबान से बात करना चाहता है तो कतर ही उनसे बात करा रहा है। इसका एक अच्छा उदाहरण आप हमारे भारत से भी देख सकते हैं कि हमारे जो अधिकारिक ने बात की थी हमारे भारतीयों को निकालने की, और सिख और हिंदू जो अफगानिस्तान में रहते हैं उन्हें निकालने की, तो इन्होंने भी कहाँ बात की थी? कतर में ही बात की थी तालिबान के नेताओं से। ठीक है, तो कतर एक माध्यम बना हुआ है। आई होप आपको कतर की अभी की सारी स्थिति क्लियर हो गई होगी। ओके फ्रेंड्स, अगर टॉपिक पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।